दोस्तों, आप सभी लोग अनुपमा सीरियल तो जरूर देख रहे होंगे, जिसकी कहानी औरत के जीवन के संघर्ष के ऊपर आधारित होती है। और इसी कहानी को इस सीरियल में नजर आ रहे सभी कलाकार बेहद खूबसूरती से पर्दे पर पेश करते हुए नजर आ रहे हैं और सीरियल को सुपर हिट भी बना रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आप इस सीरियल में नजर आ रहे सभी कलाकारों के बारे में तो सब कुछ जानते होंगे, पर क्या आप इनके रियल लाइफ पार्टनर के बारे में जानते हैं, जिनसे ये बहुत प्यार करते हैं और उनका बहुत ध्यान भी रखते हैं? अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको उन्हीं कलाकारों के रियल लाइफ पार्टनर से रूबरू कराएंगे। तो देर किस बात की, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर एक, रूपाली गांगुली। इस लिस्ट की पहली कड़ी में अभिनेत्री रूपाली गांगुली का नाम शुमार है, जो इस सीरियल में अनुपमा का किरदार निभाती हुई नजर आ रही है और अपनी पत्नी और बहू का फर्ज अच्छे से निभा रही है। लेकिन अगर बात करें इनके रियल पार्टनर के बारे में, तो इनके पति का नाम अश्विनी के वर्मा है, जिनके साथ इन्होंने साल 2013 में शादी कर ली थी। और इनके पति पेशे से एक बिजनेसमैन है और आज काफी ज्यादा सक्सेसफुल भी है। नंबर दो, मदालसा शर्मा। अब बात करें अभिनेत्री मदालसा शर्मा के बारे में, जो अनुपमा सीरियल में अनुपमा की सौतन काव्या का किरदार निभाती हुई नजर आ रही है। और इनका ये किरदार नेगेटिव है, जिसको बेहद खूबसूरती से पर्दे पर पेश करके ये करोड़ों लोगों को अपना दीवाना बना चुकी हैं। वहीं अगर बात करें इनके रियल लाइफ पार्टनर के बारे में, जिनका नाम महालक्ष्य चक्रवर्ती है, जो मिथुन चक्रवर्ती के बड़े बेटे हैं। आपको बता दें कि इनके पति पेशे से एक मशहूर एक्टर हैं, जिन्होंने जिम्मी और रॉकी जैसी कई मूवी में शानदार अभिनय प्रदर्शन किया है। नंबर तीन, सुधांशु पांडे। इस लिस्ट की तीसरी कड़ी में सीरियल में अनुपमा के पति वनराज का किरदार कोई और नहीं बल्कि सुधांशु पांडे ही निभाते नजर आ रहे हैं, जो अनुपमा से काफी ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं, जिसके चलते ये दूसरी शादी कर लेते हैं। लेकिन अगर बात करें इनके रियल लाइफ पार्टनर की, तो इनकी पत्नी का नाम मोना पांडे है, जिनके साथ इन्होंने काफी सालों पहले शादी करके अपना घर बसाया था। आपको बता दें कि इनकी पत्नी एक हाउसवाइफ है और फैमिली का अच्छे से ध्यान रखती है। इसके साथ ही ये अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं और उनका ध्यान भी रखते हैं। नंबर चार, तस्नीम शेख। सीरियल में किंचल की मां राखी का किरदार अभिनेत्री तस्नीम शेख निभाती हुई नजर आ रही हैं और ये अपनी बेटी से बहुत प्यार करती हैं। उसकी वजह से ये अपनी बेटी के ससुराल वालों से लड़ाई करती रहती हैं। लेकिन अगर बात करें इनके रियल लाइफ पार्टनर के बारे में, तो इनके पति का नाम समीर है, जिनसे ये बहुत ज्यादा प्यार करती हैं। नंबर पांच, अरविंद वैद। इस लिस्ट की पांचवी कड़ी में अभिनेता अरविंद वैद का नाम शुमार है, जो इस सीरियल में अनुपमा के ससुर का किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं और अपनी अनुपमा बहू को बेटी से भी ज्यादा मानते हैं। लेकिन अगर बात करें इनके रियल लाइफ पार्टनर के बारे में, तो आपको बता दें कि इन्होंने मिसेस वैद से काफी सालों पहले शादी कर ली थी। आपको बता दें कि मिसेस वैद लाइमलाइट से कुछ दूर रहती हैं। नंबर छह, निधि शाह। इस लिस्ट की आखिरी कड़ी में अनुपमा की बहू किंजल का किरदार अभिनेत्री निधि शाह निभाती हुई नजर आ रही हैं और अपनी बहू वाले अंदाज को बहुत खूबसूरती से पर्दे पर उतार कर करोड़ों लोगों को अपना दीवाना बना रही हैं और इसी की बदौलत आज ये काफी ज्यादा पॉपुलर भी हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, अगर बात करें इनके रियल लाइफ पार्टनर के बारे में, तो आपको बता दें कि इन्होंने अभी तक शादी नहीं की है, पर ये जाने माने बिजनेसमैन हरीश चंदवानी को डेट कर रही हैं। तो दोस्तों, आपको इन कलाकारों में से किस कलाकार का किरदार बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, आप हमें उसका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। और साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी और मजेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।